तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जो एक प्रोडक्ट है ये क्रूशियल का एक एसएसडी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जो मैंने मंगवाया है 1 TB का। बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट है ये। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है और कैसा स्लीक सा ये डिज़ाइन इसका। सो बातों बातों में आपको बताता हूँ, ये प्रोडक्ट जो पड़ा है मुझे ये करीब करीब 6500 का पड़ा मुझे ऑफर में, जिसमें कि मुझे डिस्काउंट बैंक का लगाने के बाद 650% ऑफ मिला, तो वो मुझे 68 का और GST हटा उठा के सब मेरे को 5000 के आसपास का ये मुझे पड़ा है। और इसको मैं खोलता हूँ आपके सामने, ये देखिए आप, ये प्रोडक्ट है। इसके साथ एक केबल, ये एक पुस्तक आप पढ़ लें। इसमें वारंटी है 1 साल 2 साल की, शायद देखनी पड़ेगी वारंटी, मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली कितनी की है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कितने साल की वारंटी इसमें मिली है। बाकी ये केबल है, नॉर्मल C2C मिलता है इसमें आपको, नॉर्मल जो एक ए टाइप से आपको नहीं मिलता USB, सीधा C2C है, ठीक है। अगर लगाना हो तो कनेक्टर कर सकते हैं यूज, अदरवाइज इस स्पीड के लिए ज़्यादा आपको C2C ही सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी। दूसरा इसमें जो स्पीड है वो करीब करीब आप देखिए, इस पर मैं दिखाऊँ आपको, इसके ऊपर जो आती है 800 Mbps की स्पीड का इन्होंने लिखा हुआ है कि रीड स्पीड 800 है, राइट स्पीड एक बार मैं चेक करूंगा सब आपको मैं अभी दिखाऊंगा कितनी है। इनके हिसाब से 800 है मैक्सिमम स्पीड है वो, बट मैक्सिमम कोई मिलती नहीं है जनरली, सो एक बार टेस्ट कर लेंगे कितना हमें मिल रहा है। बट अब आते हैं मेन प्रोडक्ट पे, ये देखिए कितना क्यूट सा छोटा सा पॉकेट फ्रेंडली, मतलब आप ऐसे डालो पॉकेट के अंदर स्लिप। तो इसको ओपन करते हैं, क्रूशियल X6 1 TB पोर्टेबल SSD, छोटा सा क्रूशियल की ब्रांडिंग यहाँ पे, यहाँ पे सी पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए, दैट्स इट, बस इतना छोटा सा आप देख सकते हैं, मतलब हथेली में भी बिल्कुल छोटा सा आ रहा है। तो अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं, टेस्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना रीड राइट स्पीड अपने को मिल रहा है। मैं कॉपी पेस्ट करके इस पर देखूंगा कि बेसिकली कितना इसमें स्पीड से ये कॉपी हो पा रही है कंटेंट। तो दोस्तों ये कनेक्ट कर दिया मैंने और इसमें कोई ना किसी तरीके की लाइट नहीं जलती कनेक्ट करने के बाद। यहाँ पे ये खुल चुका है आप देखें। सो अब बेसिकली बस मैं ये करने वाला हूँ, ये मूवीज़ का फोल्डर है, ये मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे। और आप 50-60 MB/s की आ रही है, नॉट मोर देन डैट, उतनी की चल रही है। सो 16 GB करने में करीब करीब 4-5 मिनट का टाइम ले रहा है। ये बीच में देखिए 100 भी पहुंच रहा है, 150 भी पहुंचा था बीच में, देखिए 150 भी 60-70 तक भी गया है। वो मुझे लगता है फाइल्स की थोड़ी सी डिफरेंस होगी, देखिए 200 पे भी गया। तो इट्स वर्किंग गुड, आपको राइट स्पीड 200 के आसपास की मिल रही है इसके अंदर मैक्स, मुझे लग रहा है ये 200 क्रॉस 250 वो 280 270। सो ओवरऑल इट्स गुड थिंग, मतलब आपको फाइल के अकॉर्डिंग कई बार ज़्यादा छोटे छोटे फाइल्स होते हैं तो कॉपी पेस्ट भी कम हो जाता है, स्लो ही चलता है वो। सो ओवरऑल इट्स गुड थिंग, मतलब मेरे हिसाब से 5000-5500 में 1 TB SSD मिलना आपको, वो भी इतना स्लीक छोटा, सो इट्स ए गुड बाय मेरे तरफ से। इसको आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, नो इशू, बहुत ही बढ़िया चल रहा है ये, परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक है, इससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मेरा काम इसमें हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको अगर ज़्यादा कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है तो इसका X8 और X9 कुछ ऐसे सीरीज भी आते हैं जिसमें और हायर स्पीड होती है, 1000 और 1500 तक की भी होती है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो बट मेरे लिए कंसिडरिंग द प्राइस रेंज ये बहुत ही बढ़िया अच्छा काम चल रहा है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितना हो सके लोगों आप दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ हेल्पफुल आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू गाइज़।